छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने शासकीय कार्यालयों में सप्ताह में 5 दिन कार्य दिवस के निर्णय का स्वागत किया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग के 24 घंटा सेवा देने वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त लाभ देने की मांग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से की है। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के सेक्टर सुपरवाइजर सैयद असलम ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा अधिकारी कर्मचारियों के लिए 5 दिन कार्य दिवस और अंशदान प्राप्त कर्मचारियों को 4% शासन से अंशदान दिए जाने का स्वागत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ विभाग के कर्मचारी जो अति आवश्यक सेवा में आते हैं, जिनका पूरा अमला 2400 घंटे आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत आता है और जिनका 5 दिन कार्य दिवस नहीं है, उनके लिए विशेष आर्थिक पैकेज भी देने विचार विमर्श किया जाए। प्रदेश महामंत्री सैयद असलम ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की लागू हो चुकी घोषणा प्रदेश के सरकारी कार्यालय में कार्य करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए वास्तविक रूप से सौगात है और अधिकारी व कर्मचारियों को अपने परिवार में समय देने का अवसर भी मिलेगा, किंतु स्वास्थ्य कर्मचारी जो विगत 2 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान कर रहे हैं, जिनकी ड्यूटी 2400 घंटे अनिवार्य है, ऐसे अधिकारी कर्मचारी चिकित्सक स्टाफ नर्स ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक LHV टीकाकर्मी लैब टेक्नीशियन और फील्ड वर्कर्स को अन्य विभाग के जैसे 5 दिन करें या पूरे कार्य करने वाले विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को 1 दिवस का अतिरिक्त आर्थिक लाभ दिया जाए। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ अपनी एक बहुत अच्छी मांग को लेके माननीय मुख्यमंत्री से 1-2 दिवस के भीतर में उनसे सौजन्य भेंट करेंगे। विधानसभा का ये जो बजट का सत्र शुरू हो रहा है उसके पूर्व में हमारी मांग ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को पहले तो आभार और धन्यवाद, उन्होंने अधिकारी कर्मचारियों के लिए कार्य दिवस 5 दिवस किया है, बहुत स्वागत योग्य फैसला है और इस फैसले पर पूरा अधिकारी कर्मचारी के जितने विभिन्न संगठन हैं उनको बधाई दे रहे हैं और हम भी बधाई दे रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो 24/7 हैं, जिनका कार्य 24 घंटे 7 दिवस होता है, जिसमें अस्पताल भी सम्मिलित है, स्वास्थ्य विभाग सम्मिलित है। हम विगत 2 साल से कोविड में काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का हमको छुट्टी नहीं मिला है और हमारी छुट्टियों को शिथिल किया गया है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से जो संवेदनशील है, छत्तीसगढ़ के विकास में अपने हर वर्ग का ध्यान रख रहे हैं और कर्मचारी जगत में उन्होंने जो इतना बड़ा फैसला लिया 5 दिवस के कार्य का, तो उनका तर्क भी था और तर्क बहुत अच्छा था कि हमारे कर्मचारियों की कार्यशैली सुधरेगी, उनको थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा, परिवार के बीच में जा पाएंगे और निश्चित रूप से वो कार्यालय बंद होंगे तो बहुत सारी बिजली की बचत होगा, बहुत सारे संसाधनों के तेल का जैसे बसें चलती थी सारी चीज़ें में एक बचत शासन को होगी और कर्मचारियों में एक स्फूर्ति आएगी और 5 दिन अच्छे मेहनत से लगन से वो अपने कार्य को दक्षता से पूर्ण करेंगे। तो यही तर्क हम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के लिए मांगते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है कि 24/7 की संस्थाएं बंद किया जाए। तो जब ऐसे फैसले आते हैं तब इनके बारे में भी सोचना चाहिए। अगर ये फैसला इनके लिए नहीं है, जैसे कि अगर 24/7 में काम करने वाले अस्पताल के कर्मचारी, बंद तो नहीं होगा अस्पताल 24 घंटे जैसे चलता है, तो रविवार के दिन के कर्मचारी को हम डे ऑफ देते हैं, तो 4 शनिवार जब दूसरे कर्मचारी आराम करेंगे और अधिकारी आराम करेंगे तो स्वास्थ्य विभाग का अमला जो अस्पतालों में है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में है, उप स्वास्थ्य केंद्रों में है, फील्ड में है, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक संयोजिका जो फील्ड में घूम के विजिट करके और टीकाकरण कर्मी हैं, तो इनके लिए 1 शनिवार यानी महीने में 4 शनिवार का आर्थिक पैकेज, 1 दिन का जो वेतन बनता है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। बहरहाल इस अवसर पर छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के पदाधिकारी व कर्मचारी बड़ी संख्या में शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।